सिवान में एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस घटना में कार में सवार दो युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं तीसरा युवक मामूली रूप से जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि मैदान में कार सीखने के दौरान कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिससे हादसे में दो युवक की मौत हो गई। घटना बरहरिया थाना क्षेत्र के नूरहता गांव की है। मृतक की पहचान लकड़ी दरगाह के विक्रमा चौधरी का पुत्र राजू चौधरी और रामाशंकर शाह का पुत्र पप्पू शाह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों युवक कार में सवार होकर तालाब के पास मैदान में कार चलाना सीखने गए हुए थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पानी भरे तालाब में जा गिरा, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से कार को बाहर निकाला गया। इस दौरान कार में सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं तीसरा युवक ने कार में कूदकर अपनी जान बचाई थी, जो कि मामूली रूप से घायल हो गया है। शव के गाँव में पहुँचने ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान के सदर अस्पताल में भेज दी है। तो बताया जाता है कि कार सीखने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, बरहरिया थाना क्षेत्र के नूराहता गांव की घटना है, जहां गाड़ी सीखने के दरमियान में गाड़ी अनियंत्रित होने के कारण पानी पोखरा में डूब जाने से दो युवक का मृत्यु हो गया। एक युवक जो गाड़ी सीख रहा था, वो किसी तरह अपना जान बचाने में कामयाबी हासिल हुआ। निश्चित तौर पर ही दर्दनाक घटना है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस घटना में दो व्यक्ति है, जो राजीव चौधरी है, एक पप्पू शाह है, और दोनों व्यक्ति बहुत ही गरीब परिवार के हैं। और नियम है सरकार की कि कोई भी व्यक्ति अगर पानी में डूबने से मृत्यु होता है तो उसको 4-4 लाख रुपया सरकार की ओर से मिलता है। और मैं जिला पदाधिकारी से मांग करूँगा कि इस परिवार बहुत निर्धन है, इनको इंदिरा आवास के तहत एक मकान दोनों परिवार को मिलना चाहिए, और जो मृत व्यक्ति है आपदा के तहत 4-4 लाख रुपये इस परिवार को अविलंब मिलना चाहिए। यही हमारे सरकार और प्रशासन से मांग है।